बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 69वें जन्मदिन की। अशोक गहलोत एक ऐसा नाम जिन्हें राजस्थान में जननायक के रूप में जाना जाता है। प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के तारणहार माने जाने वाले अशोक गहलोत के बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी इनके नाम और इनके काम के चर्चे लगातार बने रहते हैं। राजनीति के क्षेत्र में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले अशोक गहलोत जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता हैं जो अपनी स्वच्छ और बेदाग छवि के लिए हर आमोखास के दिल में बसे हैं। शायद इसीलिए उन्हें कभी राजनीति का जादूगर तो कभी मारवाड़ के गांधी की उपमा से अलंकृत किया गया। तीसरी बार राजस्थान की बागडोर संभाल रहे सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले अशोक गहलोत ने 4 दशक लंबी अपनी राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी लोगों ने उन्हें राजनीति का जादूगर कहा तो कभी उन्हें मारवाड़ के गांधी की उपमा से अलंकृत किया गया। चाहे कैसा भी दौर आया हो, लेकिन उनकी सादगी और चेहरे पर हमेशा तैरती मुस्कान ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। बड़ी सहजता के साथ लोगों से मिलने की खासियत ने उन्हें भीड़ से हमेशा अलग साबित किया। यही कारण है कि उनके विरोधी तक उनकी इन खासियतों के कायल हैं। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत करने वाले गहलोत ने अब तक 5 बार सांसद और 3 प्रधानमंत्रियों के साथ केंद्र में मंत्री रहते हुए अपनी जबरदस्त पैठ बनाई। जब प्रदेश की राजनीति में कदम रखा तो यहाँ भी पार्टी प्रशासन और जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर जननायक की एक अलग पहचान बनाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लोग मारवाड़ का गांधी कहते हैं और बहुत से लोग आंधी भी कहते हैं। मारवाड़ के गांधी तो इसलिए हैं कि बेसिकली वो गांधीवादी चिंतन से प्रभावित है उनकी राजनीति और सोच और उनकी पूरी वर्किंग। इसलिए उनकी सोच में, उनकी राजनीतिक कार्य पद्धति में, जीवन शैली में, सब में सादगी, मानवीय संवेदना, सामाजिक प्रतिबद्धता का स्थान सर्वोपरि है और शुचिता भी। वो मुख्यमंत्री होते हैं तो अपनी गाड़ी में अपनी पत्नी को भी साथ नहीं बैठाते, अपने बच्चे को भी साथ नहीं बैठाते। एक बार बातचीत में उन्होंने खुद ने मुझे जिक्र किया था कि प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से मेरा जो व्यक्तित्व है वो फिर मेरा है, वो परिवार का नहीं है, फिर वो परिवार अलग है। और गांधी के साथ साथ उनको आंधी इसलिए कहा जाता है कि वो 1980 में राजनीति में आए थे सांसद बनके, बिल्कुल नौजवान थे। कितनी बार सांसद बने, कितनी बार केंद्रीय मंत्री बने, राजस्थान में होम मिनिस्टर बने, राजस्थान में पीसी चीफ बने और बड़े बड़े दिग्गज पेड़ थे जो कांग्रेस की राजनीति के, राजस्थान की राजनीति के, वो उखड़ गए, उन्होंने आंधी की तरह उखाड़ दिया। अब उनकी राजनीतिक चतुराई कहेंगे, उनका राजनीतिक श्रम कहेंगे, उनकी रणनीति बनाने की क्षमता कहेंगे या उनकी मेहनत कहेंगे, लेकिन कई पेड़ राजस्थान की राजनीति में उखड़ गए और जो पेड़ बड़े बड़े दिग्गज वटवृक्ष उखड़े, उनके समर्थक उन्हें इसलिए आंधी कहते हैं। 3 मई 1951 को जोधपुर में जन्मे अशोक गहलोत ने विज्ञान और कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए भी किया है। जिसके बाद अशोक गहलोत का विवाह सुनीता के साथ हुआ। गहलोत के एक पुत्र और एक पुत्री भी है। गहलोत ने अपने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियां संभाली है। वे 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री और 1 बार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। इसके अलावा यूपीए सरकार में उनका राजनीतिक ओहदा किसी से छिपा नहीं है। यही कारण था कि उनकी संगठनात्मक क्षमता से प्रभावित होकर
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें NSUI का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। जिसके बाद वे पहली बार जोधपुर से साल 1980 में लोकसभा के लिए भी चुने गए और ये सिलसिला उनके 5 कार्यकालों तक चलता रहा। इसके बाद गहलोत ने राजस्थान की राजनीति की ओर रुख किया। साल 1999 में 11वीं विधानसभा के लिए सरदारपुरा से विधायक चुने गए। इसी दौरान वह राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री भी चुने गए। गहलोत ने जब राजनीति शुरू की थी तो उस समय कांग्रेस में दिग्गज राजनीतिज्ञों का बोलबाला था। इनके बीच में से अपने लिए स्थान बना पाना किसी युवा नेता के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन गहलोत साल दर साल सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे और पार्टी के भीतर उनके लिए रास्ता बनाते रहे। उनका जो सबसे बड़ा योगदान है राजस्थान की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में वो ये है कि राजनीति में आसानी से कोई जनरेशन दूसरी जनरेशन के लिए जगह नहीं छोड़ती। अशोक गहलोत ने जब राजनीति शुरू की, परसराम मदेरणा, नाथुराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा और खेत सिंह, पता नहीं कितने कितने दिग्गज, गुलाब सिंह शक्तावत राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति पे काबिज थे, रामकिशोर व्यास भी, उन्होंने उन सब के बीच अपने लिए रास्ता बनाया। नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना हिल उज्जत के कैसे हो गया, कांग्रेस के भीतर भी और राजस्थान की राजनीति में, इसका श्रेय अशोक गहलोत को जाता है। उनको इस बात का भी श्रेय जाता है कि पूरी एक फसल कांग्रेस में नौजवानों की उन्होंने दी है, रघु शर्मा, महेश जोशी, अशकली टांक, डॉक्टर निजाम, संयम लोढ़ा, ऐसे ढेर सारे नाम हैं जो अशोक गहलोत की बदौलत कांग्रेस की राजनीति में स्थापित हो पाए, MLA बने, मंत्री बने, आगे तक गए। तो उन सबको अशोक गहलोत के संरक्षण की वजह से, अशोक गहलोत के नेतृत्व की वजह से, अशोक गहलोत के इनिशिएटिव की वजह से राजनीति में जगह बनाने का, भूमिका निभाने का मौका मिला और वो अपने आप को एस्टेब्लिश भी कर पाए और कांग्रेस को और राजस्थान की राजनीति को नौजवानों की पूरी पौध, पूरी फसल देने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो अशोक गहलोत को जाता है। इससे पहले किसी राजनेता ने इस तरह नई पीढ़ी को लाकर और कांग्रेस को और राजनीति को अपनी तरफ से योगदान नहीं दिया था। राजस्थान में मारवाड़ के गांधी नाम से मशहूर अशोक गहलोत का प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में काफी दबदबा है। वे कई बार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे। इसके अलावा गहलोत कांग्रेस संगठन में राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। गहलोत को बेहद उम्दा प्रशासक माना जाता है। इसकी झलक सबसे पहले राजस्थान और देश के लोगों ने उनके मुख्यमंत्री पद पर पहले कार्यकाल में देखी। 2001 में राजस्थान में लगातार तीसरे साल भीषण अकाल पड़ा, गांव में अनाज चारे पानी की भारी किल्लत हो गई। गहलोत ने स्वयं मॉनिटरिंग कर सुनिश्चित किया कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। उन्होंने लोगों तक भरपूर राहत पहुंचाई। इसी तरह दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर गहलोत ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और जांच योजना शुरू कर एक मिसाल कायम की, जो आज देश ही नहीं विदेशों में भी नजीर साबित हुई है। एक बार राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा, वो मुख्यमंत्री थे और लोग भूख से ना मरे, इसलिए उन्होंने राजस्थान के हर पंचायत घर में गेहूं की बोरी रखवा दी, हर पंचायत घर में गेहूं की बोरी पूरे राजस्थान में। ये उनका संवेदनशील मानवीय चेहरा जो बाद में हम कोई भूखा ना सोए इन दिनों भी देख रहे हैं, जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और देश बंद है पूरा, तब भी देख रहे हैं उसको। पर मैं ये पुराने एक उदाहरण से, क्योंकि उसके तुरंत बाद उनका कठोर प्रशासनिक चेहरा देखने को मिला। पूरे राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल थी, पंचायत चुनाव होने थे, सब सोचते थे पंचायत चुनाव स्थगित होंगे, सरकार नहीं करा पाएगी। पूरे राजस्थान में सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे, पर उन्होंने पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कराए, दृढ़तापूर्वक कराए।
तो ये दृढ़ता और कोमलता, संवेदनशीलता और चट्टान की तरह अपनी बात पर कायम रहना, ये दो उनके पर्सनैलिटी के ऐसे अलग अलग तरह के दो गुण हैं। किस वक्त कौन सा गुण चाहिए प्रशासक के लिए, राज्य के राजा के लिए, चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए, वो उस वक्त उसको काम में लेते हैं। जैसा भीलवाड़ा मॉडल में काम में लिया उन्होंने अभी, रूथलेस कंटेनमेंट जिसका वो जिक्र करते हैं बार बार, तो वो कड़ाई से पालना हुई तो भीलवाड़ा कोरोना पर विजय प्राप्त कर सका। और संवेदनशीलता ये कि कोई भूखा ना सोए, कितना सबके लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए जो कोटा में हैं, मजदूर जो प्रवासी हैं, वो सब सोच उनके लिए, तो ये उनकी राजनीतिक व्यक्तित्व के दो विशेषताओं को मैंने आपके सामने रखा है। इस वक्त जब पूरा देश कोरोना त्रासदी को झेल रहा है, तब उन्होंने राजस्थान का नेतृत्व करते हुए जो रणनीति कौशल दिखाया, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने की है। सबसे पहले लॉकडाउन करने से लेकर ऐसे कई कदम राजस्थान ने सबसे पहले उठाए, जिन्हें बाद में अन्य राज्यों और भारत सरकार ने भी अपनाया। उम्मीद की जानी चाहिए कि वे प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाते हुए अपने रणनीतिक कौशल, राजनीतिक चातुर्य और कर्मठता से पूरे देश को भी दिशा दिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।